विधायक जी से आज मुलाकात का क्रम ये रहा कि माननीय न्यायालय ने आदेश किया था कि मिलकर वकालतनामा साइन करा ले परिजन, परिवार का कोई एक सदस्य या फिर अधिवक्ता। तो उसके क्रम में मैं आया था विधायक जी से माननीय न्यायालय के लिए जो वकालतनामा लगना है वो साइन कराया और मुहर वगैरह लग गई। विधायक जी का स्वास्थ्य खराब है, काफ़ी बिगड़ा हुआ है, ठंड लग गई है बुरी तरह, और पोस्ट कोविड जितने ट्रीटमेंट्स उनको मिलने चाहिए थे वो सब मिले नहीं हैं। तो उसके कारणवश चेस्ट में काफ़ी इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से खांसी है और ठंड की वजह से ठंडे पानी से नहाना और सब तरह की चीज़ें। फिर भी विल पावर है, स्ट्रॉन्ग है, सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। इस तरीके का इलाज किया जा रहा था, क्या वो इलाज नहीं मिल पा रहा? नहीं, इलाज के नाम पर तो सिर्फ ढोंग होता है। आप 10 बार 20 बार कहेंगे तब जाकर एक डॉक्टर आएंगे और वो देखेंगे, और वो भी थर्मोमीटर लगाएंगे, बीपी नापेंगे और चले जाएंगे। 2022 का चुनाव बहुत नज़दीक है, किस दल से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? चलिए, ये सब वक्त आने पर बताया जाएगा। वो 4 बार ऑलरेडी जेल में से रहकर चुनाव लड़ चुके हैं, वक्त आने पर सारी चीज़ों का खुलासा किया। क्या माना जा रहा है कि इस समय जो चुनाव चल रहा है, आगामी विधानसभा आ रहे हैं और ये अंदर हैं, क्या बाहर आने की उम्मीद है? इस समय ये अंदर हैं, और अंदर रहते हुए मैं आप सबके माध्यम से ये उत्तर प्रदेश की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि जब ज़िले का SP और ज़िले का DM हत्या कराने के लिए लगाओ और अंदर बदमाशों से मिलकर हत्या कराने के लिए बात कर रहा हो, और SOG के लोग SP और DM साहब के साथ अंदर जाते हैं और पिस्टल देने की बात करते हैं, खाने में जहर देने की बात करते हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि जब रक्षक ही भक्षक बना हुआ है तो बस बचाने वाला तो वो अल्लाह है, और वही बचा रहा है। इस विषय में बताया, उन्होंने नाम बताया, SOG के यहाँ प्रभारी हैं मयंक चंदेल, उनका, SP साहब का, DM साहब का, और इस सब को लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय में भी जाएंगे, और कानून का सहारा लेकर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और इस तरह से एक निर्वाचित विधायक, मैं तो कहता हूँ विधायक छोड़ दीजिए, वो एक सीनियर सिटीज़न है, इस देश के नागरिक हैं, और ये उनके लिए गौरव की बात है हम लोगों के लिए। लेकिन उसके बावजूद जो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और ये सरकार बहुत जुल्म कर चुकी, अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। गरीब परेशान है, किसान परेशान है, बेरोज़गार परेशान है, बहुत हो गया। अब 22 का वक्त नज़दीक है और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये बताइए, जैसे अंदर आपकी बात हुई, यहाँ पर सुरक्षा की तमाम बात की, कई बैटालियन यहाँ पे PAC लगाई गई, फोर्स है, तब भी आप कह रहे हैं उनको सुरक्षा है? SP साहब और DM साहब जब यहाँ पर सुरक्षा की तमाम बात की, कई बैटालियन यहाँ पे PAC लगाई गई, फोर्स है, तब भी आप कह रहे हैं उनको सुरक्षा है? SP साहब और DM साहब जब यहाँ आते हैं तो उनके साथ फोर्स के साथ SOG के प्रभारी जाते हैं पिस्टल लगा के। कौन तलाशी लेगा उनकी? कोई किसी की हिम्मत है कि तलाशी ले ले? अरे दबाव तो इतना है कि जो बात मैं बोल रहा हूँ ये भी चलेगी कि नहीं चलेगी अभी इसका विषय है। मैं तो आप सबसे गुजारिश करूँगा कि भारत के 3 ही संवैधानिक स्तंभ हैं और आपको चौथा स्तंभ माना जाता है, तो मीडिया के बंधुओं भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी बात को आप एज इट इज़ दिखाइए, ताकि ये चीज़ें लोगों के सामने आएँ। और मेरे फादर ने नाम लेकर बताया कि किस तरह से उनकी हत्या की प्लानिंग की जा रही है ताकि वो लड़ ना सकें चुनाव, और आगे के लिए वो बृजेश सिंह के खिलाफ गवाह हैं। अगर बृजेश सिंह के खिलाफ वो गवाही माननीय न्यायालय में दे देंगे तो क्या होगा उस बृजेश सिंह के भविष्य का जो दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का फाइली है। एक ही केस है जिसमें 3 लोग फाइली हैं, सुभाष ठाकुर, बृजेश सिंह और दाऊद इब्राहिम, और उसके विरुद्ध मेरे पापा पे उन्होंने अटैक किया था, उसके विरुद्ध पापा चश्मदीद गवाह, घायल गवाह और वादी मुकदमा है, और वो गवाही दे देंगे तो क्या होगा? इसलिए ये सारा कुक्रम रचा जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है और हम सबका ईमान है कि मारने वाले से बहुत बढ़कर है बचाने वाला, और अल्लाह ही मौत और ज़िंदगी का मालिक है, और अल्लाह जब तक